देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह कोरोना के नए आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में साफ होता नजर आ रहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। मंत्रालय द्वारा रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के सक्रिय मामले में भी कमी आई। कोविड के सक्रिय मामले घटकर 4972 रह गए हैं। वहीं कोरोना से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 500,000 से अधिक हो गई है। बता दें कि केरल में कल कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा सुबह 8 बजे अपडेट किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना के कुल 4.4 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार सक्रिय मामले में अब तक कुल संक्रमणों का 0.01% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड 19 रिकवरी दर 98.80% दर्ज की गई है। देश में कल भी कोरोना के मामले में भी कमी देखी गई थी। बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 425 नए मामले सामने आए थे, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,259 थी। इससे पता चलता है कि देश में कोरोना के ग्राफ से लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 मौतों के साथ बढ़कर 500,000 से अधिक हो गई थी, जिसमें से केरल में कोरोना वायरस से 1 व्यक्ति की मौत हुई है।